हाय गाइस, आपको स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। जून का महीना हमारा बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पूरे 18 डिवाइसेस हैं जो कि लॉन्च होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी उन डिवाइसेस के बारे में जो कि अभी लेटेस्ट आए हैं और उनकी सेल स्टार्ट हो रही है। साथ ही उनके ऊपर किसी के ऊपर आपको बहुत ही जबरदस्त ऑफर मिल रही है, तो वो भी बताऊंगी ताकि आप उन ऑफर्स को मिस ना कर दें। उसके बाद हम नजर डालेंगे कंफर्म डिवाइसेस कौन से हैं जिनकी डेट आ चुकी है कि वो लॉन्च हो रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ और भी डिवाइसेस हैं जिनका इस महीने आना तो पक्का है लेकिन डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेल किसकी स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले 4 जून, मतलब कि तो आज से ही सेल स्टार्ट हो रही है OnePlus 7 की। इसके अंदर आपको Snapdragon 855 का प्रोसेसर मिलेगा, 48+5 का डुअल कैमरा सेटअप बैक में, 16 MP कैमरा फ्रंट में, 3700 mAh की बैटरी, 20 W का चार्जर और ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इस डिवाइस का स्टार्टिंग प्राइस आएगा 33,000 से और एक और वेरिएंट आएगा इसका 38,000 रुपीज में। OnePlus 7 Pro तो मुझे ज्यादा जबरदस्त नहीं लगा था, उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। अब ये भी आ जाएगा जब तो पूरी तरह उसको टेस्ट करके देख लेंगे कि इसमें हमें कैसा कैसा क्या क्या मिलता है। वैसे आप अगर उसको खरीदना चाहते हैं तो 4 जून से इसकी सेल स्टार्ट हो रही है। अब इसके बाद 4 जून को ही सेल स्टार्ट हो रही है हमारे एक गेमिंग डिवाइस की, ब्लैक शार्क 2 की। ये हमारा Xiaomi की तरफ से गेमिंग डिवाइस है जिसके अंदर आपको Snapdragon 855 का प्रोसेसर मिलेगा, बैक साइड में पूरी लाइटिंग इफेक्ट मिलेगा जो हमें गेमिंग डिवाइसेस के अंदर मिलती है, साथ में 4000 mAh की बैटरी, 27 W का चार्जर, 48+12 का डुअल कैमरा सेटअप बैक में, 20 MP का कैमरा फ्रंट में। गेमिंग डिवाइस है लेकिन कैमरा भी आपको बढ़िया दिया गया है इसके अंदर। और उसके साथ इस डिवाइस के अंदर भी हमें दो वेरियंट मिलेंगे, एक होगा हमारा 6GB 128GB वाला जो की 40,000 का आपको मिल जाएगा, और दूसरा होगा हमारा 12GB 256GB वाला वेरिएंट जो कि आपको 50,000 रुपए का मिल जाएगा। So, अगर आप एक डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस लेना चाहते हैं तो उसको खरीद सकते हैं, 4 जून से इसकी सेल स्टार्ट हो रही है। मैं भी इसको जल्दी से खरीद लूंगी सेल स्टार्ट होते ही, और फिर मैं टेस्टिंग करके आपको बताऊंगी कि ये डिवाइस हमारा कैसा है। अब इसके बाद 7 जून को सेल स्टार्ट हो रही है हमारे ओप्पो के ओप्पो रेनो की, जो कि हमारे दो डिवाइसेस हैं, ओप्पो रेनो और ओप्पो रेनो 10X जूम वाला। उसके अंदर हमें 855 का प्रोसेसर मिलेगा और दोनों के अंदर हमें, और दूसरे वाले वेरिएंट के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर मिलेगा। दोनों के अंदर हमें बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जर, शार्क फिन डिजाइन मिलेगा और इसके साथ अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले भी मिलेगा। अब ये जो हमारा जबरदस्त डिवाइस है ओप्पो की तरफ से, ये एक्चुअल में आपको फ्री का पड़ सकता है। मतलब वैसे तो ठीक है, इनका प्राइस ओप्पो ने थोड़ा ज्यादा रखा है, लेकिन एक्चुअल में जो ऑफर निकाली है उसकी वजह से डिवाइस फ्री का पड़ सकता है। कैसे पड़ सकता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले हम अपकमिंग लिस्ट को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट डिवाइस हमारा सैमसंग का M40। इस डिवाइस का कंफर्म हो चुका है कि ये डिवाइस लॉन्च होगा 11 जून को, और काफी जबरदस्त रखे गए हैं इसके स्पेक्स भी। आपको इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी तो मिलेगी, साथ में स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिलेगा, और इसके अंदर आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलेगा, मतलब ओ डिजाइन पंच होल के साथ, साथ में ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक में, सेल्फी कैमरा जो होगा वो भी हमारा पंच होल में है, तो देखने में डिवाइस काफी बढ़िया सा नजर आएगा। प्राइस जो होगा इस डिवाइस का वो भी हमारे 19,000 रुपए के आसपास हो सकता है। काफी जबरदस्त डिवाइस है ये हमारा, बहुत लोग इसका वेट कर रहे हैं, बस 11 जून को ये लॉन्च होने ही वाला है, तब हम डिटेल में देख लेंगे कि क्या क्या मिलता है हमें इस डिवाइस के अंदर। अब इनके बाद आते हैं हमारे वो डिवाइसेस जो कि सेकेंड वीक ऑफ जून में लॉन्च होंगे, लेकिन इनकी डेट कंफर्म्ड अभी नहीं हुई है। और डिवाइसेस में सबसे पहले आता है हमारे पास वीवो की तरफ से 5Z, जो कि हमारा एक बड़ी बैटरी वाला डिवाइस होगा, 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको मिलेगी, पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, फास्ट चार्जर भी मिलेगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक में मिलेगा। मतलब ये डिवाइस हमारा लगभग 20,000 से 25,000 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। और वैसे इस डिवाइस की अगर हम बात करके कब आएगा तो 10 से 11 तारीख तक ये लॉन्च हो सकता है, बाकी हम देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि 10 11 की जगह 12 13 14 15 ऐसा हो जाए, लेकिन जून में ही लॉन्च होगा ये पक्का है। इसके बाद अगला डिवाइस आता है हमारा Honor की तरफ से। Honor अपने 3 डिवाइसेस को लॉन्च कर रहा है, Honor 20, 20 Lite और 20 Pro। इन तीनों में देखा जाए तो जो हमारा 20 Pro है जो कि लगभग 35,000 रुपए से स्टार्ट होगा डिवाइस, ये हमारा काफी तगड़ा, इसके अंदर आपको कैमरा मिलेगा और ये एक्चुअल में हमारे OnePlus के कॉम्पिटिशन में आने वाला है डिवाइस। इसके अलावा जो हमारा 20 Lite है ये 18,000 रुपए की रेंज में आपको मिलेगा, P20 आपको मिलेगा 25,000 रुपए की रेंज में, मेन तो हमारा 20 Pro है। और 20 Pro के अंदर एक्चुअल में हमें 4 कैमरा देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा IMX586 सेंसर के साथ, और सबसे ज्यादा वाइडेस्ट एपर्चर मिलेगा आपको
F1.4 के साथ। तो जबरदस्त पिक्स आनी है इस डिवाइस की हमारी, साथ में डुअल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर भी है, साथ में इस डिवाइस के अंदर Kirin 980 का प्रोसेसर है, बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जर है, काफी कुछ डाला है ऑनर ने और एक्चुअल में काफी ज्यादा कंपटीशन देगा ये डिवाइस हमारे OnePlus 7 Pro को। तो देखते हैं जब ये डिवाइस हमारा आएगा तो उसमें हमें क्या क्या एक्चुअल में मिलता है और फीचर्स यूज करने में कैसे लगते हैं। इसके बाद अगले डिवाइसेस आते हैं हमारे Redmi की तरफ से, बहुत ही लोग जिसका वेट कर रहे हैं, Redmi K20 और K20 Pro। ये हमारे वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस होंगे जो कि एक्चुअल में बहुत ही पावरफुल डिवाइसेस होंगे। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर मिलेगा एक में, और दूसरा जो K20 Pro है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलेगा। साथ में दोनों में ही पॉपअप सेल्फी कैमरा होगा, अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले होगा, फास्ट चार्जिंग, बड़ी बैटरी 4000 mAh की और ग्लास बॉडी मिलेगी प्रीमियम लुक वाली। प्राइस की अगर बात करें तो K20 हमारा 19,000 रुपये के रेंज में आपको मिलेगा और K20 Pro हमारा 25,000 रुपये के रेंज में आपको मिलेगा। काफ़ी वैल्यू फॉर डिवाइसेस हैं ये दोनों हमारे Xiaomi की तरफ से और बहुत लोग इसका वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो दो डिवाइसेस हैं ये अभी लॉन्च नहीं हो रहे हैं, ये लॉन्च होंगे 15 जुलाई को। मनु कुमार जैन ने अभी कल रात को ही ट्वीट किया था तो उसमें ये बात हमारी कन्फर्म हो चुकी। पहले कन्फर्मेशन थी कि जून में हो जाएगा लेकिन अब जुलाई में चला गया है। इसके बाद आता है हमारा ASUS का Zenfone 6 जो कि हमारा एक बढ़िया फ्लैगशिप डिवाइस है ASUS की तरफ से, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलेगा, ग्लास बॉडी मिलेगी, अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा और उसके साथ बड़ी बैटरी मिलेगी 5000 mAh की। साथ में सबसे हाइलाइटिंग इफेक्ट है इस डिवाइस का कैमरा, मतलब मोटराइज कैमरा मिलेगा हमें जो कि बैक कैमरा भी है आपका और सेल्फी कैमरा भी है रोटेट होने के बाद। तो काफ़ी नया सा डिज़ाइन है ये और ये डिवाइस हमारा ASUS Zenfone 6 आपका जून एंड तक आ सकता है। इसके बाद जून एंड में ही डेट कंफर्म नहीं है हमारे Samsung A80 की, उसके अंदर भी हमें अल्ट्रा फुल व्यू डिज़ाइन मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 37 mAh की बैटरी मिलेगी और इसके अंदर भी हमारे पास रोटेटिंग कैमरा होगा बैक एंड फ्रंट में जिसको आप रोटेट कर सकते हैं। इसका भी प्राइस कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि 35-40 हज़ार रुपये की रेंज में आपको ये मिल जाए और डिवाइस हमारा ये भी जून एंड तक ही आएगा। इसके बाद आता है हमारा एक ऐसा डिवाइस जिसका पता नहीं बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, मतलब बाहर तो डिवाइस लॉन्च हो चुका है, 3-4 महीने हो चुके हैं और इंडिया में हम वेट कर करके थक गए हैं। डिवाइस है हमारा नोकिया का 9 प्योर व्यू जिसमें हमें 5 कैमरा मिल रहे हैं, मतलब अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने देर से वेट कर रहे हैं कि पूरी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है। और डिवाइस है नोकिया का OnePlus, वो भी हो सकता है कि अगर ये लॉन्च हुआ तो वो भी लॉन्च हो जाएगा। अभी भी इसकी डेट कंफर्म नहीं है पर वैसे तो पता चल रहा था कि ये हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जून में लॉन्च हो जाएगा, कम डेट आई नहीं अभी तक, तो कब आता है देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस आता है हमारा नूबिया रेड मैजिक 3। नूबिया लेकर आ रहा है अपना एक गेमिंग डिवाइस ब्लैक शार्क के टक्कर में जो कि हमारा आपको सेम मिलेगा, मतलब स्नैपड्रैगन 855 के प्रोसेसर के साथ और गेमिंग लाइटिंग मिलेगी, पीछे कूलिंग सिस्टम मिलेगा, बड़ी बैटरी मिलेगी। ये डिवाइस भी हमारा मिड ऑफ जून में आ सकता है, कंफर्म्ड अभी भी डेट इसकी नहीं हुई है। सो ये थे हमारे कुछ अपकमिंग डिवाइसेस इस महीने के। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ओप्पो रेनो है वो आपको फ्री कैसे पड़ सकता है, तो उसके लिए इस डिवाइस का जो हमारा 6GB RAM 128GB वाला वेरियंट है वो हमारा 40,000 रुपये का है, उसके ऊपर आपको 10% कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10% कार्ड डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस हमारा 36,000 रुपये का हो जाएगा। इसके ऊपर आपने 500 रुपये की 499 रुपीज की बायबैक वैल्यू ऑफर खरीदनी है, ये जरूर खरीदनी है। आपने इसको खरीदा, अब आप डिवाइस को सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर अगर एक्सचेंज करते हैं या रिटर्न करते हैं दूसरा डिवाइस लेने के लिए तो आपको 36,000 रुपये की वैल्यू मिल जाएगी इस डिवाइस की। मतलब टोटल लगाएं तो आपने 3 महीने एक फ्लैगशिप डिवाइस को यूज किया, मजे से यूज करो, एकदम आराम से जितना मर्जी यूज करो 3 महीने के लिए, और 3 महीने बाद एक्सचेंज करने में उसकी पूरी वैल्यू आपको वापस मिल गई। तो मतलब कि आपको ये फ्लैगशिप डिवाइस फ्री का पड़ गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, एक बारी जरूर चेक करें ऑफर को। वैसे इसके ऊपर एक और ऑफर है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अगर आप इस डिवाइस के साथ एक्सचेंज करते हो अपने किसी फोन को, मतलब कि 2 अलग मॉडल्स पे अलग ऑप्शन है हमारे पास, मतलब कि अगर आप 6GB RAM 128GB वाला वेरिएंट लेते हो उसके साथ एक्सचेंज करते हो पुराने फोन को तो आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 8GB 256GB वाला वेरिएंट के साथ एक्सचेंज करते हो पुराना फोन तो 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस डिस्काउंट मिल जाएगा।
जो बायबैक वैल्यू मिल रही है इस फोन की 36,000 की, वो तो आपको मिलेगी, लेकिन साथ में आपने ये पुराना फोन एक्सचेंज करने से और 3-4,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लिया, मतलब एक्स्ट्रा आपका फायदा हो गया। ऑफर देखी जाए तो बहुत ही जबरदस्त है, काफी फायदे की ऑफर है, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दिया हुआ है। आगे मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाऊंगी और ऐसी अगर किसी और फोन पे ऑफर आई तो वो भी आपको जरूर बताऊंगी। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।